इतिहास अपने नाम किया। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया भी साउथ अफ्रीका ने डंका बजा रही है। इसी सब के बीच कल 5 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका और भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की एक दिवसीय श्रृंखला का आगाज भी हो गया। दोनों टीमों के बीच सबसे पहला वनडे मैच किम्बले के मैदान पर खेला गया, जहां टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए पहला वनडे पूरे 88 रनों से जीतकर अपने नाम किया। कैसा रहा मैच का हाल? मैच की शुरुआत के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के साथ हुई थी। भारतीय महिला टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रनों का स्कोर बनाया। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने लाजवाब 84 रनों की पारी खेली। स्मृति के अलावा कप्तान मिताली राज 45 ने अच्छे रन बनाए। हरमनप्रीत कौर 16, पूनम राउत 19 और वेदा कृष्णमूर्ति सिर्फ 2 ही रन बना सकी। साउथ अफ्रीका के लिए एम कप और ए खाया 2-2 विकेट लेने में सफल रही।